साथियों, इस पेड़ को ध्यान से देखिए। ये 2.5 वर्ष का पेड़ है जो कोलकाता पत्ती का है और गुट्टी वाला पेड़ है। आप इस पर देखेंगे इसके कुछ पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, और आप थोड़ा नीचे भी देखिए कि नीचे काफ़ी पत्ते गिरे हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ। ये हुई 2 समस्याएं। तीसरा, आप देखेंगे कि इस पर फूल भी आए हुए हैं, और अंदर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस पर अंदर बहुत फ्लावर फल भी बन चुके। किसान साथियों, कल एक भाई का मुझे फ़ोन आया, वो शायद बिहार से बोल रहे थे। वो कहने लगे कि जी मेरे पौधों पर जो फूल आए थे वो गिर चुके हैं, और जो पत्तियां हैं वो भी पीली होकर गिर रही हैं। आज मैं इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करूंगा कि इस समय पौधों में क्या देखरेख की आवश्यकता है। किसान साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी, और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। किसान साथियों, इस समय आप देखिए कि बहुत अधिक धूप नहीं है। अक्सर आसमान में बादल छाए रहते हैं, धुंध रहती है, और जब धूप की कमी होती है तो पत्तों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे क्लोरोफिल बनता है, उनमें पीलापन आ जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि पत्तों की उम्र भी हो जाती है। जो पुराने पत्ते हैं वे अब गिरना शुरू होंगे, और इसके बाद नए पत्तों का सृजन होगा। इसलिए आप इस बात की चिंता न करें कि पौधे के पत्ते गिर रहे हैं और थोड़े पीले हो रहे हैं। आपको सिर्फ इसमें एक काम करना है कि आपको इसमें नमी बनाए रखनी है, पानी फ्लड से नहीं देना है। अगर पानी आप फ्लड से दे रहे हैं तो थोड़ी दूर पर नाली बनाइए, उसमें पानी चलाइए जिससे कि पौधे के पास नमी पहुँचे। डॉक्टर हुच्चे जो CCRI के, उन्होंने बताया था कि पौधे को नमी चाहिए, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्या है कि अगर आपके पौधे में माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी है तो आपके फूल गिरेंगे, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए उसमें पूरे तत्व मौजूद नहीं हैं। जब मैंने उस किसान भाई से कहा कि आपके अगर फूल गिर रहे हैं तो कम से कम, मुझे नहीं पता आपने क्या स्प्रे किया है, तो आप उस पर 1 ग्राम बोरोन का स्प्रे कर दीजिए। उसने मुझे बताया कि 20 दिन पहले 200 लीटर पानी में 0.5 किलो यानी 500 ग्राम बोरोन मिलाकर उसने छिड़काव किया था। किसान साथियों, मैं 1 ग्राम बोरोन बताता हूँ, और उसने प्रति लीटर 2.5 ग्राम दिया, 2.5 गुना दिया, उससे उसके फूल गिर गए। ये तो हुआ पहले किसान भाई का। अगर आपके पौधों में बहुत अधिक इस तरह की फूल गिरने की समस्या है या फल गिरने की समस्या है तो वो माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी है। उसमें बिना पूरी बात जाने मैं किसी को कोई सजेशन नहीं दे सकता। जो दूसरी बात, किसान भाई का फ़ोन आया परभनी से, उसने मुझे बताया कि त्यागी जी, आपने जैसा बताया था हमने वैसा ही किया, और चूँकि ऐसमय उन्हें फलन लेना था, बारिश हो चुकी थी सितंबर माह में, तो उनके उसने मुझे बताया कि उनके यहाँ फूल बहुत आए हैं और अब मैं क्या करूँ। और उसने मुझसे 2 सवाल किए। पहला सवाल था कि इनसे फल कब बनने लगेंगे, और दूसरा सवाल था कि जो फल पक जाएगा कब तोड़ने लायक होगा। मैंने उसे कहा कि भाई देखो, फल तो फूल आने के 1 माह बाद आपके फल बनने शुरू हो जाते हैं। जब चने के बराबर के हो जाएँ तब उनमें आप कोई भी स्प्रे वगैरह करें। और दूसरा, ये जो हमारी हस्तबहार है जिसके फूल आजकल आए हुए हैं और फल बन रहे हैं, इसके हमें मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल से मिलना शुरू करेंगे। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने मुख्य होते हैं आपको फसल लेने के लिए। तो किसान साथियों, अगर आपके पौधों में भी इस प्रकार की समस्या है तो केवल एक बात का ध्यान रखें कि क्या आपने सही माइक्रो न्यूट्रेंट दिया था, और क्या पानी अधिक तो नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक पत्तियाँ पीला होना और पत्ती गिरने का है, वो केवल मौसम है। आजकल उत्तर भारत में बहुत ठंड पड़ रही है, धूप अधिक नहीं है, पौधे क्लोरोफिल नहीं बना सकते, और पौधों की पत्तियाँ अपना जीवन चक्र पूरा कर चुकी है, वे पत्तियाँ अवश्य गिरेगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।